हेलो फ्रेंड्स, आज हम बादाम पाक बनाने जा रहे हैं, जो सर्दियों में खाना काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ हमने मखाने लिए हैं, ये कुछ बादाम, सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ, गोंद, बूरा, काजू, किशमिश, देसी घी, दक्षिणी मिर्च, इनको भूरी मिर्च भी कहते हैं, पिस्ता। और सॉरी, मैं सूजी लेना भूल गई थी, ये हमने 1 कप यहाँ पर सूजी भी ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी कढ़ाई में ये घी डालते हैं और हम गोंद का एक दाना डालकर देखते हैं हमारा घी गर्म हो है या नहीं। और जैसे ही इसका ये दाना अच्छे से खिल जाता है तो हम अपनी सारी गोंद डाल देते हैं। और इसका देखिए, ये गर्म घी में एक एक दाना अच्छे से खिल उठेगा, फूल जाएगा। हम इसको यहाँ अच्छे से भून लेंगे। देखिए, इसका रंग भी यहाँ पर चेंज हो गया है और ये भुन चुका है। अब हम यहाँ पर अपने बादाम भी डाल लेंगे। देखिए, हमने अपने बादाम भी अच्छे से भून लिए हैं। इसी घी में हमने काजू को भी भून लिया है। और जैसे ही काजू को भुना, हमने किशमिश भी डाल दिए कढ़ाई में। अब देखिए, यहाँ हमारा घी थोड़ा कम रह गया है, इसमें हम मखाने भी भूनेंगे। तो हम जो घी लिया है उसमें से थोड़ा घी हम ले लेते हैं। अब इसमें हम अपने मखाने भून देते हैं। हम अच्छे से घुमाएंगे और ये हमारे मखाने भी भुनकर रेडी हैं। और हमारा घी भी यहाँ फिनिश हो गया, लेकिन जो हमने बचाया था उस घी को अब हम सब ले लेते हैं। हमारा एक बाउल घी में सभी कुछ अच्छे से भुन गया है और इस घी में हम सूजी को भून लेते हैं। और यहाँ हम सूजी को ऐसे भूनेंगे जैसे हलवा बनाते टाइम भूनते हैं। हम इसको अच्छे से चलाएंगे जिससे हमारी सूजी को किनारे की साइड से ना जले। ये हमारी सूजी भुन चुकी है। अब हम यहाँ पर अपना गैस ऑफ कर देंगे और उसको यहीं रखा रहने देंगे जिससे ये सूजी हमारी ठंडी हो जाएगी। तब तक हम अपने मिक्सर में अपने ड्राई फ्रूट्स को पीसते हैं। ये हमारी गोंद है, आपने जैसे देखा ही है। मेरे इस प्लेट में सभी ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमने घी में भुने हैं। अब हम इसको अपने मिक्सर में मिक्स करेंगे और इनका सबका मिक्सचर बन जाएगा। यहाँ पर हमने अपने मखानों को भी मिक्स किया है, ग्राइंड कर लिया है, पीस दिया है। अब जो बचे हुए मखाने हैं मैं उनको भी पीसूंगी। जार से पहले इसको अच्छे से निकाल लेते हैं। अभी हमारे बचे हुए मखाने मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसमें हम यहाँ पर अपनी पिस्ता और ये देखिए पिस्ता और दक्षिणी मिर्च भी डालेंगे। दक्षिणी मिर्च को भूरी मिर्च कहते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया है। कुछ जगह दक्षिणी मिर्च, कहीं कहीं सब जगह का अपना अलग अलग नाम होता है। और ये पूरा मिक्सचर अब हम अपना सूजी में डालेंगे। ये ड्राई फ्रूट का मिक्सचर है और ये हमने सूजी में डाल दिया है। हमारी सूजी भी ठंडी हो चुकी थी। देखिए, अब ये यहाँ पे मैं बूरा डाल रही हूँ।
यहीं पर हम अपना कद्दूकस किया हुआ नारियल भी डाल देंगे। ये देखिए मेरा कद्दूकस किया हुआ नारियल, आप इसको एक दफ़े घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके अगर बच्चे कोई ड्राई फ्रूट्स खाना भी पसंद नहीं करता है, वो इसको बड़े शौक से खाएगा। ये काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में और अच्छा होता है सर्दियों में। एक ग्लास दूध के साथ हम सुबह शाम कभी भी किसी भी टाइम ले सकते हैं। आप एक दफ़े ज़रूर पाइएगा, और अगर आपको मेरा ये चैनल और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।